हम पढ़ा रहे थे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसमें हमने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आइडेंटिटीज उनके प्रूफ और उनका यूज समझा दिया था आज हमें आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टू अनदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुम कहोगे सर इसका यूज कहा होगा हम इसका यूज कहा करेंगे ये देखो हम आपको यूज बताते हैं आपने ये पढ़ा था कि साइन इनवर्स के साथ साइन एक्स हो तो एक्स हो जाएगा और हमारे चार के चार जो आइडेंटिटीज थे उन्होंने इसके ऊपर बहुत बढ़िया काम था लेकिन यह भी बताया था कि बाहर अगर साइन हो अंदर साइन इनवर्स एक्स हो तो यह भी एक्स हो जाता है बताया था नहीं बताया था बिल्कुल बताया था अब जरा सोचो साइन साइन इनवर्स को खा जाएगा लेकिन किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान बाहर साइन आ गया अंदर टेन इनवर्स थ्री बाई फोर आ गया आप क्या करोगे भाई तो इस इनवर्स को इस टेन इनवर्स को साइन इनवर्स को तो बनाना पड़ेगा ना जब तक ये टेन इनवर्स तुम्हारा तो साइन इनवर्स नहीं बनेगा तब तक काम होगा नहीं आइडेंटिटी लगेगा नहीं, लगे नहीं सॉल्यूशन होगा नहीं या अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि सेक स्क्वेयर टेन इनवर्स फाइव अपॉन ट्वेल्व और हमें इसको सॉल्व करना है इसमें क्या करना पड़ेगा इस टेन इनवर्स को sec इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहां क्या करना पड़ेगा टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा आज मैं वही सिखाने जा रहा हूं कि एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं इतना आसान है बेहद आसान अगर एग्जाम में आ गया यहां ध्यान देना एग्जाम में आ गया कि चेंज चेंज टेन इनवर्स थ्री अपॉइन फोर इंटू साइन इनवर्स टेन इनवर्स थ्री बाई फोर को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो तुम्हें क्या करना है मैं पहले प्रॉपर मेथड बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट करने पे नंबर नहीं मिलेगा अगर एग्जाम में ही आ गया तो कैसे लिखोगे लिखने का तरीका क्या होगा पहले ये सीखो तो टेन इनवर्स थ्री बाई फोर है तो तुम क्या करोगे पहले तुम्हें क्या करना है लेट करना है इस टेन इनवर्स थ्री अपॉन फोर को थीटा मान लेना है ठीक है क्योंकि इनवर्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कैसा आता है थीटा एंगल में ही तो आता है पाई 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 इसलिए हमने मान लिया यहां पे थीटा अब टेन इनवर्स को हटाओगे तो क्या होगा दूसरी तरफ जाके ये टेन थीटा बनेगा इज इक्वल टू हो गया थ्री पाई थ्री बाई फोर तुरंत तुम्हें क्या करना है एक ट्रायंगल बना देना है और तुम्हें यह बात पता है तुमने टेंथ क्लास में पढ़ा था टेन का क्या होता है पी बाई बी तो याद करो तुम्हारे टीचर ने बताया होगा पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा पढ़े हो नहीं पढ़े हो या तुम्हारे टीचर ने बताया होगा पंडित बदनी प्रसाद हर हर बोले यह भी बताया होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा अरे ऐसी बहुत सारे जुमले निकलते हैं ऐसे तुम लोग को याद होगा वैसे बिना जुमलों के ही होता है क्या p अपॉन b, p यानी परपेंडिकुलर हो गया थ्री b यानी बेस हो गया चार अब एच निकालो यह भी तुमने टेंथ में पढ़ा होगा एच क्या होता है अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट नाइन प्लस सिक्सटीन ये आ गया पांच एच हो गया पांच अगर तुम्हें टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना है इस ट्रेंगल से साइन की वैल्यू निकालो इसे हमने फर्स्ट मान लिया है पहले ही इस ट्रेंगल से अच्छा एक चीज और ये बीच में बताना जरूरी होता है कई सारे बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन होती है टेन थीटा थ्री बाई फोर हो गया और पी हमारा थ्री हो गया बी फोर हो गया थीटा कौन सा एंगल होगा अगर मान लो ये ट्रेंगल ए बी सी है तो थीटा कौन सा एंगल होगा तो यह हमेशा ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हमारा थ्री है परपेंडिकुलर के सामने वाला एंगल हमारा थीटा होगा। यानी ये एंगल सी जो होगा ये थीटा होगा अब इसी ट्रेंगल में, क्योंकि साइन में बदलना है तो साइन थीटा की वैल्यू आप निकालो। क्या निकलेगा साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा क्या होता है बताओ क्या होता है पी अपॉन एच यानी ये क्या हो गया थ्री अपॉन फाइव साइन थीटा अगर थ्री अपॉन फाइव हो गया तो थीटा क्या होगा साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव इसे मान लो सेकेंड अब जरा देखो तो इस फर्स्ट को देखो इस सेकेंड को देखो यहां थीटा किसको माना था टेन इनवर्स थ्री बाई फोर को यहां थीटा किसको माना साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव को क्या ये दोनों थीटा बराबर नहीं होगा बिल्कुल होगा यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड से तुम क्या बोलोगे थ्री अपॉइन फोर बराबर होगा साइन inverse वर्स थ्री अपॉइन फाइव के तुमने कन्वर्जन कर दिया तो देखो एक नंबर या दो नंबर में आएगा तो इसको तो लिख के दिखाना पड़ेगा अब देखो यहां जैसे करना है इस क्वेश्चन को करना है ठीक है तुम क्या करना डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका यह साइन लिख देना यहां पे पहले से साइन इनवर्स लिख के तैयार ये टेन इनवर्स है एक ट्रेंगल बनाना ध्यान से देखते रहो बहुत आराम आराम से बता रहा हूं अपने मन में इसको थीटा मान लेना भूलने का अगर चांस हो तो यहां लिख देना थीटा थ्री फोर। क्या होता है P तीन बी।, बी हो गया B हो गया चार H निकालोगे H आ गया पांच तुम ऑलरेडी साइन इनवर्स लिख के बैठे हो ये बताओ कि इस ट्रेंगल से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी इस ट्रैंगल से साइन थीटा की वैल्यू होगी पी वाई एच यानी थ्री अपॉन फाइव साइन साइन इनवर्स को खा गया ये रहा तुम्हारे सामने फॉर्मूला कॉस कॉस इनवर्स को खा जाएगा टेन टेन इनवर्स को खा जाएगा ये साइन साइन इनवर्स को खा गया थ्री अपॉन फाइव तुम्हारा आंसर आ गया ये रहा तुम्हारा आंसर एक नंबर में आता है रफ में दिखाओ डायरेक्ट यहां पे करो इसमें देखो इसमें एक नई चीज तुम्हें तो देखने को तो मिल रही होगी यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा होगा स्क्वायर सेक के ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर से डरना नहीं है ये सेक हो गया ये टेन 5 टेन इनवर्स 5 बाई ट्वेल्व हो गया स्क्वायर का मतलब होता है इस पूरे का होल स्क्वायर इस बार तुम्हें क्या करना है इस टेन इनवर्स को किस में बदलना है सेक इनवर्स में बदलना है तुरंत में जाओ ये जो टेन इनवर्स का एंगल है क्या मानोगे इसको टेन इनवर्स के एंगल को टेन ही मानना है साइन इनवर्स होगा तो साइन मानेंगे कॉस इनवर्स होगा तो कॉस मानेंगे यानी टेन थीटा मान लेना है फाइव अपॉइंट ट्वेल्व आगे बढ़ने से पहले यहां अपनी तैयारी पूरी कर लो क्या तैयारी करनी है ये सेक हो गया यहां लिख दो सेक इनवर्स और तैयार रहो कि इसके एंगल में क्या आने जा रहा है स्क्वायर सब कुछ लगा के तैयार रहो जब ट्रेंगल इसके लिए बनाओगे तो टेन होता है p अपॉन में b p हो गया पांच b हो गया बारह h कितना होगा सबको याद होगा कि पांच का स्क्वायर प्लस बारह का स्क्वायर पच्चीस प्लस एक सौ चौवालीस वन सिक्सटी नाइन का अंडर रूट ये हो गया तेरह अब यहां क्या है सेक इन इस इस ट्रेंगल सेक से की वैल्यू निकालो और इसमें डाल दो क्या होगी सेक की वैल्यू सेक क्या होता है सेक थी क्या होता है एच बाई बी एच बाई बी यानी थर्टीन अपॉन टेकर्स को खा गया थर्टीन अपॉन ट्वेल्व आ गया इसके स्क्वायर कर दो वन सिक्सटी नाइन अपॉन में वन फोर्टी फोर ये तुम्हारा आंसर हो गया आ गई बात समझ में ऐसे हम कन्वर्जन करते हैं और ये कन्वर्जन काफी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है तो इसी तरीके से फटाफट सॉल्व होगा और गलती की कोई संभावना नहीं होगी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा अब अगला जो टॉपिक होगा वो सीबीएसई के साथ साथ जेई वाले और एनडीए वाले बच्चों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका एक भी क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में कहीं नहीं है और अगर आप पिछले चार साल का पेपर उठाकर देख लो सीबीएसई बोर्ड का पेपर हर साल एक क्वेश्चन डोमेन रेंज का एट एक क्वेश्चन डोमेन रेंज का जरूर आता है यही हम अगले एपिसोड में आपके पास सेंड करने वाले हैं तो बेटा रेगुलरली वॉच कीजिए और अगले वीडियो को वॉच कीजिए